हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्या होता है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इस वीडियो में हम ऐसे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उससे आगे के फैक्टर्स पढ़ेंगे। इट इज नोन दैट लैम्डा वन इक्वल टू वन एंड लैम्डा टू इक्वल टू माइनस वन आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए, यानी इसकी आइगन वैल्यू है। फाइंड बेसिस ऑफ द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वन एंड लैम्डा टू एंड सो दैट एनी टू वैक्टर्स फ्रॉम दीज डिस्टिंक्ट आइगन स्पेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमें शो करना है। तो ए माइनस लेमडा आई जब निकालेंगे, तो फ्रेंड्स ए माइनस लेमडा आई जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ से जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि यहाँ से हम आइगन स्पेस निकाल सकते हैं। बेसिकली आइगन स्पेस निकालने के लिए ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। वहाँ से हमारे पास कुछ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू यानी एक वेक्टर आएगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे अगर एक्स वन है, एक्स टू एंड एक्स थ्री, इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा आपको जनरल जनरल ब्रीफ दे देता हूँ कि सपोज ये है हमारे पास ए माइनस लेमडा आई, तो यहाँ से हमारे पास लेमडा की जगह क्या, हमने वन पुट कर दिया। तो लेमडा की जगह वन पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस, ये सिंपल माइनस फोर तो ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस यहाँ पे हम कर रहे हैं माइनस, सॉरी वन वन एंड वन, क्योंकि वन के लिए ही कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और बाकी जगह जीरो हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के इक्वल टू जीरो के इक्वल पुट किया, और यहाँ से जीरो पुट करने पे हम एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये याद रखना है, हमारे पास जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक ना एक वेरिएबल जो है वो फ्री आ जाएगा, यानी कि कुछ फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी या तो दो इक्वेशंस बनेंगी या एक इक्वेशन बनेगी। अब इसको देखते हैं, तो इसको देखते हुए हमारे पास क्लियर कह सकते हैं कि एक दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशन बनेगी, एक पैरामीटर फ्री होगा उनको उसमें। जैसे सपोज कि एक्स थ्री को पैरामीटर फ्री मान के उसको टी मान के एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे, और वो कुछ इस तरह से आएगी टी डॉट माइनस थ्री माइनस फोर एंड ये, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएंगी, यानी माइनस थ्री टी एक की वैल्यू आएगी एक्स वन की, और एक की माइनस फोर टी और एक्स फोर की जब हम उसको सॉल्व करेंगे, या बेसिकली अगर मैं कहूँ ये कहूँ कि माइनस टी आएगी और ये आ जाएगी फोर बाई थ्री टी एंड ये आ जाएगा वन टी। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, तो उनको निकाल के हम इस तरह से ये वेक्टर निकाल सकते हैं। इसी तरह से जब हम यहाँ से हैंस बी वन बराबर माइनस थ्री फोर माइनस फोर एंड थ्री इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए विद आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर वन एंड बी वन फॉर्म द बेसिस फॉर द करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस। नेक्स्ट हम ए माइनस लैम्डा टू आई इस तरह से इसी प्रोसेस से जब कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये आ गया, तो अब हमें चेक करना है कि ये वैक्टर जो है वी वन और वी टू जो है वो लीनियर एल आई है या नहीं। तो एल आई निकालने के लिए वी वन और वी टू सिंपली इस तरह से पुट कर दिया हमने, रो ऑपरेशंस लगाए, रो ऑपरेशंस पे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास इसकी रैंक जो है वो टू है बेसिकली। तो यहाँ से अगर देखें तो माइनस थ्री, यहाँ से अगर देखें तो यहीं से कह सकते हैं हम जो मैट्रिक्स की रैंक जो है टू है, तो इस कंडीशन में और टू ही हमारे पास वेक्टर है, तो ये वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर रैंक टू से कम होती और वेक्टर ज्यादा होते तो उस कंडीशन में वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर है, व्हेन लैम्डा इक्वल टू जीरो इज एन आइगन वैल्यू। तो अब लैम्डा इक्वल टू जीरो इज आइगन वैल्यू है, तो वी कैन से दैट इफ लैम्डा इक्वल टू जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, सपोज दैट दैट द ए हैज अ आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू जीरो, देन बाय नोटेशन, नोटेशंस क्या हो जाएगा, ए माइनस, तो ए वी माइनस लैम्डा वी इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई मोड ऑफ इक्वल टू जीरो, अब लैम्डा जो है एक जीरो है तो मोड ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी इज द नल स्पेस ऑफ ए, दस ए इज नॉट इन्वर्टेबल, क्योंकि अब मोड ऑफ ए जो भी नॉट वो भी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए जो है नॉट इन्वर्टेबल होगा। और यहाँ से नेक्स्ट थ्योरम अगर आप देखें, द मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू आर एन इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इक्वल टू जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो अगर जब लैम्डा इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो है, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो पर ही अगर
लैम्डा नॉट, हर आइगन वैल्यू जो है नॉन जीरो है, तभी उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाला जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीनोमियल्स पढ़ेंगे।